मतलब मोनेटाइजेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, ये लिखा हुआ है। एंड इस पिन को जो है ना हमें वो लॉगिन करके वहाँ डालना पड़ेगा। अब हम फाइनली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो गाइस पिछले 2-3 दिन से मैं वेट कर रहा था कि 4000 घंटे का जो वॉच टाइम वो कंप्लीट हो जाए, बट अपडेट होने में टाइम लगता है तो हो नहीं पा रहा था। फाइनली मैंने अभी रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धीरे बात करूँगी। मेरा रूममेट सो रहा है एंड रात में मैंने 12 बजे खोल के देखा, सो जस्ट अभी अपडेट हुआ है। सो हमारा मोनेटाइजेशन अप्लाई करने का ऑप्शन इनेबल हो गया, तब हम अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। सो मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, पता नहीं ब्लॉग में मैं बाद में डालूँगा। सो पहले तो अप्लाई करते हैं जल्दी से। एंड ऑप्शन सबसे पहले हमें ये करना है फिल, फिर देन ये, फिर ये, और फिर रिव्यू में जाएगा हमारा चैनल ऑटोमेटिकली। मैंने अभी 1-2 ट्यूटोरियल देखे क्योंकि मेरे को आता नहीं था कैसे अप्लाई करते हैं, सो जल्दी से अप्लाई करता हूँ मैं। सो गाइस अभी तो बहुत ही छोटा प्रोसेस था, अप्लाई कर दिया है और ये प्रोसेस में चला गया। इसमें 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा ऑल अराउंड। और उसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, मैंने तो पहले ही देख लिया था बट ये मेल यूट्यूब की तरफ से अभी आया है कि यू आर एलिजिबल फॉर द मोनेटाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आप अप्लाई कर सकते हो। सो अभी इसमें 1-1.5-2 दिन का जितना भी टाइम लगता है, सो उसके बाद मिलते हैं जब ये अपडेट हो जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली 1 दिन बाद हमारी मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई है। ये लंबा प्रोसीजर है, अभी स्टार्ट तो हो गई है बट अभी प्रोसीजर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं ये फाइनली क्लिप्स जो फाइनल वाली वीडियो में ऐड कर दूंगा। सो गाइस आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि हमारा टारगेट था कि हमें $10 कंप्लीट करने थे यूट्यूब पे। सो फाइनली $10 का रेवेन्यू कंप्लीट हो गया है। एंड एडसेंस की तरफ से हमें मेल आ गया है कि भाई अब आप अप्लाई कर सकते हो। सो एक घर पे पिन आएगा, सो पिन को हमें फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा, देन उसके बाद फाइनली हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो ये सडनली मैं इवनिंग में बैठा हुआ था भाई, ये मेरे पास मेल आया तो काफ़ी सरप्राइजिंग हो गया था, क्योंकि ऐसे सच में कोई वेट तो नहीं कर रहा था, क्योंकि टाइम लगता है भाई पैसे रेवेन्यू जनरेट होने में। ऑल द $10 काफ़ी छोटा अमाउंट है बट स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो बट फाइनली अब आ गया तो करते हैं भाई इसे आगे प्रोसीड। ये देखो आ गया है विगिन दी वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी अभी। सो भाई नाम डाल दिया हमने और जो आईडी प्रूफ है वो भी अपलोड कर दिया है, करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे एड्रेस डालना है, सो अब एड्रेस में डाल देता हूँ उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस एड्रेस डालने के बाद ऐसा कुछ आया है, वेट करने को बोल रहा है, देखते हैं कब तक होता है ये वेरीफाई हो। वाह भाई तुरंत मेल भी आ गया कि आपकी आइडेंटिटी वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, एंड जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं बैंक डिटेल्स हैं वो डाल दो पेमेंट रिसीव करने के लिए। एंड यार वेरीफिकेशन में तो हार्डली 2-3 मिनट ही लगे बस, मतलब जैसे ही मैंने अपनी जो आइडेंटिटी एंड एड्रेस डिटेल्स सबमिट की और 2-3 मिनट बाद अराउंड मेल आ गया कि हाँ वेरीफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। सो बैंक डिटेल्स सबमिट करता हूँ मैं जल्दी से, एंड उसके बाद आगे और जो भी स्टेप्स होंगे सब कुछ बताते रहूँगा इस ब्लॉग में मैं आपको। यूट्यूब के स्टूडियो में भी आ गया भाई ये नोटिफिकेशन, बट हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भर दी, ऊपर दिख रहा होगा ये लिखा हुआ इम्पोर्टेंट प्लीज लॉग इन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बट हमने ऑलरेडी फिल कर दिए भाई इन्फॉर्मेशन जो भी। One eternity later. सो गाइस फाइनली ये हमारा जो पिन आना था बाकी, मतलब मोनेटाइजेशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। एंड अभी मैं डायरेक्टली हॉस्टल से घर में स्विच कर दिया ये कैमरा, मैं घर पहुंच गया हूँ। सो मतलब 15-20 दिन लग गए अराउंड, ये पिन होता है ऐसा लिफाफा आता है एक, सो इसके अंदर एक पिन लिखा हुआ होगा जो कि हमें यहाँ पे लॉगिन करके अपना अकाउंट गूगल एडसेंस का उसमें ये पिन डालना पड़ेगा तो एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, देन उसके बाद फिर हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं गूगल से। सो फाइनली हमें मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी इसके बाद। और अब सेकंड स्टेप ये है कि हमें $100 कंप्लीट करने पड़ेंगे, $100 के रेवेन्यू, देन उसके बाद ही हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और हर मंथ हमें एटलीस्ट $100 कंप्लीट करने पड़ेंगे तभी हमारी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, नहीं तो वो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएगी। सो मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि प्रोसेस काफ़ी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं घर पहुंच गया हूँ इवन, हालांकि मैंने घर का ही एड्रेस डाला था बट मैं घर से मंगा लेता ये जो लिफाफा था एनेबल जो गूगल की तरफ से था।
सो दैट्स इट, अब इसको डालते हैं हम और फाइनल जो प्रोसेस है, फाइनल स्टेप जो है वो कंप्लीट करते हैं। एंड भाई ये जो मेरे रूम की है ना हालत बहुत ही गंदी हो रही है, क्योंकि ये प्रिपरेशन किसी ट्रिप की चल रही है। बैग हमारा 15 दिन से रेडी होकर रखा है, सारा कुछ पूरा भाई पूरा कबाड़ा बना कर रखा है रूम का। और मम्मी मेरे को डांट रही है कि रूम की क्या हालत बना कर रखी है, बट अब क्या ही कर सकते हैं, चल रही है प्रिपरेशन, होपफुली हम वो ट्रिप कर पाएँ। भाई टेबल पे तो सारा कुछ सामान रखा है, बेड पे बैठ के करते हैं ये। सो गाइस बेसिकली ये ऐसा डेवलप होता है, और पीछे यहाँ पे एड्रेस लिखा था ये मैंने छुपा दिया, बाकी ये तो पता नहीं क्या डिलीवरी बॉय ने कुछ कुछ लिखा हुआ है। सो ये ऐसी स्ट्रिप जो है ना यहाँ पे भी लगी रहती है और यहाँ पे भी, ऐसा पूरा पैक रहता है सील पैक। सो अब इस साइड से तो खोल दिया था घर में किसी ने ऑलरेडी, क्योंकि मैं था नहीं है 2 दिन पहले से आया हुआ, तो इस साइड से खोलते हैं हम इसे, क्योंकि पूरा खोलना पड़ेगा अंदर पिन देखने के लिए। यार फट गया हल्का सा, ये कैसे खुलता है। तो बेसिकली ये है सब पिन टाइप का जो है ना ये लिखा हुआ है, एंड इस पिन को जो है ना हमें वो लॉगिन करके वहाँ डालना पड़ेगा, इतना ही है बस। ये तो खोलते हैं जल्दी से गूगल एडसेंस। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से डालनी है ये पिन, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ थोड़ा सा, होता है ना उसके बाद डाल के ही बता दूंगा कि हाँ डाल दिया मैंने। हाँ भाई तो मिल गया फाइनली हमें ये ऑप्शन, और ये डालना है 8429 63। ओके कंप्लीटेड लिखा आ गया भाई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। अब हम फाइनली पेमेंट रिसीव कर सकते हैं जब हमारे $100 कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस उसके अलावा मैं ये बोल रहा था कि हमारी मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे या काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा है। गूगल एड से बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं आता है, जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं आउट ऑफ पैशन कर रहा हूँ ये चीज़, तो मुझे काम करने में मज़ा आता है, वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, गूगल एडसेंस से या मोनेटाइजेशन से कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। इसके पहले एक जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी कुछ ब्रांड्स की, तो उसका मैंने बताया था कि वहाँ से मुझे ये अमाउंट, पहले मोनेटाइजेशन से पहले मुझे स्पॉन्सरशिप का अमाउंट मिल गया है। सो अब ये प्रोसेस तो कम्प्लीट हो गई, अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। पेमेंट हम तभी रिसीव कर सकते हैं जब हमारे $100 कम्प्लीट हो जाएंगे। सो ठीक है अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस पिन हमने डाल दिया है एंड सारी प्रोसेस जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। एंड हाँ ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता है गूगल एडसेंस से, बट स्टिल एक अमाउंट मिलता है, तो हैप्पीनेस खुशी और मोटिवेशन साथ में मिलता है, जो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहता है एक्चुअल अमाउंट से। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।